जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, और आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं हिमांशु कुमार, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं हम लोग बात करने जा रहे हैं इंडियन इंफोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में। देखिए, इंडियन इंफोटेक का शेयर प्राइस काफ़ी दिनों से ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है और प्राइस ऊपर नहीं बढ़ रहा है। इस वजह से लोग जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए काफ़ी परेशान हैं, और जाहिर सी बात है उनकी परेशानी का होना। तो इस वीडियो में उस परेशानी को दूर करने का प्रयास करेंगे। आसान भाषा में कहें तो ये हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, और जाएगा तो कब जाएगा। सिंपल सा इसी मुद्दे को पकड़ते हैं और इसी मुद्दे को इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। अभी देखिए, फ्राइडे, आज तो संडे, फ्राइडे के दिन जब मार्केट ओपन था तो फ्राइडे के दिन आप देख सकते हैं इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये के आसपास इसने जाकर अपना क्लोजिंग दिया है। और पिछले उस दिन देखें, फ्राइडे के दिन तकरीबन 2.5% के आसपास इसमें गिरावट देखने को मिली थी। गिरावट का इतिहास इस कंपनी में काफ़ी लंबा है। पिछले 6 मंथ में देखें तो 6 मंथ से लगातार ये स्टॉक नीचे ही जा रहा है और तकरीबन 58% के आसपास टूट चुका है। पिछले 1 मंथ में भी तकरीबन 24% के आसपास टूटा, और पिछले 1 सप्ताह में देखें तो 1 सप्ताह में तकरीबन 13.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली है। अब देखिए, मैं आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर आसान भाषा में इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, और टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलते हैं वहाँ पर समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अभी आगे हम लोग स्क्रीनर की वेबसाइट पर देख सकते हैं, 1 साल का चार्ट यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। 1 साल के चार्ट पर आपको बातें ज़्यादा क्लियर होंगी। देख सकते हैं 1 साल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि इस कंपनी का जो शेयर पैटर्न है 1 साल से तकरीबन नीचे की तरफ ही आ रहा है, और देखेंगे अभी भी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ ही जाते हुए दिखाई देगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको हम कह सकते हैं कि कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट जब किसी कंपनी का शेयर प्राइस करता है तो इसे नीचे नहीं जा रहा होता, जबकि ऐसे सीधे चल रहा होता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके, लेकिन इसमें कंसोलिडेशन वाला मोड भी नहीं है। तो एक बात समझ में आ रहा है कि अभी इसका प्राइस और नीचे ही जाएगा, क्योंकि जब कंसोलिडेट नहीं कर रहा होता है तो, और जब प्राइस यहाँ पर क्लियरली देख रहा है कि नीचे जा रहा है। दूसरी बात, ये जो पीली वाली लाइन है 50 डे का मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं चार्ट पैटर्न है जो कि शेयर प्राइस बताता है। तो देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाली लाइन है, यानी जो चार्ट है, जो 50 डे का मूविंग एवरेज है, उससे अभी यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से नीचे ही, और ये वाला जो एरिया देख रहे हैं तकरीबन ये सितंबर 2022 का एरिया, यानी सितंबर 2022 से 50 डे के मूविंग एवरेज से इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। इतने लंबे समय से नीचे जा रहा है और अभी भी यहाँ पर भी क्लियरली देख रहे हैं कि नीचे जा रहा है। तो ये जब तक इस पीली वाली लाइन के ऊपर नहीं निकलेगा इस कंपनी का शेयर प्राइस, तब तक इस पर तेज़ी आने की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने के तब तक चांसेज नहीं है। अब जब शेयर प्राइस ऊपर कब जाएगा, देखिए फंड, देखिए होता है कि एक फंडामेंटल मजबूत होना अलग बात है, फंडामेंटली कंपनी मजबूत होती है तो भविष्य में शेयर प्राइस ऊपर बढ़ेगा, इस बात को मानते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस पहले बता देता है। इसलिए टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम लोग चार्ट को देखते हैं, और चार्ट बहुत कुछ कह देता है। तो ये यहाँ पर चार्ट ये कह रहा है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी निकट समय में नीचे ही जाएगा, निकट समय में ऊपर आने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुनिए, आपको करना क्या है, यदि आपका इन्वेस्टमेंट इंडियन इन्फोटेक कंपनी में है तो सबसे पहले आप देखिए कि कितना रिस्क आप ले सकते हैं। ऑलरेडी आपने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया है, मुझको पता है, तो क्या और ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तब बने रहिए, और यदि आपका जवाब नो है तो आप इसमें से तुरंत एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि अभी फिलहाल इसके शेयर प्राइस में तेज़ी आने वाला नहीं है कुछ दिनों तक। यहाँ पर फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटली में देखिए, सबसे पहले क्वार्टर के रिजल्ट की बात करते हैं। अभी जो कंपनी के Q3 के रिजल्ट आए हैं तो उसमें आप देखेंगे कंपनी के सेल्स में कुछ खास बढ़ोतरी होते हुए देखने को नहीं मिली है, सेम ही रह रहा है। पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो 2 करोड़ 30 लाख के आसपास, यानी सेम ही देखने को मिलेगा। वहीं पर यदि प्रॉफिट की बात करें तो देखिए, इस कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट में थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में इसको 1.94 करोड़ प्रॉफिट हुआ था, इस क्वार्टर में 1.79 करोड़ के आसपास हुआ, यानी प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे इंडियन इन्फोटेक में, तो इंडियन इन्फोटेक में देखेंगे कि इसमें इसका जो शेयर प्राइस है बुक वैल्यू से कम है, जबकि शेयर प्राइस जो होता है ना बुक वैल्यू से ऊपर होना चाहिए। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न कैपिटल माइनस में नहीं है, पॉजिटिव में, ये काफ़ी बढ़िया बात है। ओवरऑल फंडामेंटल उतना भी बुरा नहीं है, फंडामेंटल ठीक है, और आने वाले समय फंडामेंटल बेहतर हो सकता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाते हुए नहीं दिख सकता है। मैंने ये बात स्पष्ट रूप से आपको बता दी है। अब आपको क्या करना है टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। और कोई भी आपको मन में सवाल है या कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। पर्सनली मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि आपके पास शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप एंजल वन या MS स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।